महान जैन दिगंबराचार त्रोलाचार स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य जी में स्वभाव निर्णय 67वें परिच्छेद में समझा रहे हैं, सफलता की प्राप्ति चाहिए है तो फिर आपको अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाना चाहिए। इच्छा शक्ति इसकी पवित्र होगी और ऐसे कार्यों से बचे जिसमें विफलता हो। अपने उद्देश्यों को तब तक करता जाए तब तक पूर्ण ना हो जाए। उद्देश्य से विचलित नहीं होना, उद्देश्य से विचलित नहीं होगा, हार भी हो जाएगी तब भी विजय होगी, हार भी हो जाएगी तब भी विजय होगी। बोले एक ऐसा भले ही हार गया हो पर अंतिम श्वास तक पीछे तो नहीं हटा, ये विजय विश्व में याद रहेगी। न व्यक्ति न निर्दोष से निर्दोष से सिद्धे पुरुष कर्मठा अलंगन तपुंसो जायन्ते पिपथाम चया देसे। जो कर्मठ पुरुष होता है बोला वो अपने उद्देश्य को कभी मालूम तभी मालूम होने देता है जब अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। ये मूल मंत्रणा है, ये मूल सूत्र है। कुछ लोग कार्य करने के पहले प्रचार करने लगते हैं, वे उपहास के प्राप्त होते हैं। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक प्रचार नहीं होना चाहिए। मंत्रणा मंत्र एक गुप्त होते हैं, कार हुआ नहीं है और प्रचार पहले से प्रारंभ कर दिया और कहीं विघ्न आ गया तो जगत में हंसी होगी, जगत हंसी होगी। इसलिए कार्य करने के पूर्व विचार करना चाहिए और विचार करने के उपरांत उसे गुप्त रूप में अपना काम कर लेना चाहिए। जब कार्य पूर्ण हो जाए फिर उसका विमोचन करना चाहिए। विमोचन पूर्णता पर ही होता है, अधूरा विमोचन नहीं होता है।